हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट की एक और लर्निंग वीडियो में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है? अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो शब्द एक क्रम में नहीं होते, जिससे दूसरा आदमी आपकी बात को ढंग से समझ नहीं सकता। तो हम अपने शब्दों को कैसे व्यक्त करें, कैसे एक वाक्य को प्रयोग करें ताकि दूसरा आदमी आपकी बात को अच्छे ढंग से समझ सके। आज का हमारा टॉपिक किसी से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस, जिनका हिंदी में अर्थ है वाक्य। हमारे मन में जो भी भाव होते हैं उसे व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, ताकि दूसरे ये समझ सकें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ शब्द ही जरूरी नहीं है, उसे एक क्रम में रखना जरूरी है ताकि आप जो समझाना चाह रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी वही समझे। ऐसे क्रम में रखे हुए शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम समझते हैं रीअरेंजमेंट एक उदाहरण के साथ। अगर आपकी अलमारी में सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो आपको उसको ढूंढने में कठिनाई आएगी। तो आप क्या करते हैं, उस सामान को अरेंज करते हैं ताकि आपकी अलमीरा से सामान आराम से मिल सके। वैसे ही सेंटेंस में अगर शब्द क्रम में ना लगे हों, दूसरे आदमी को समझने में दिक्कत आती है, उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं ताकि दूसरा आदमी वही समझे जो आप कहना चाह रहे हो, उस क्रम को रीअरेंजमेंट कहते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट समझने से पहले हमें जानना जरूरी है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स मतलब वाक्य में एक ऐसा शब्द जो ये दर्शाता है कि उस वाक्य में क्या हो रहा है। जैसे द कैट इज चेजिंग द माउस, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। इस सेंटेंस में चेजिंग, पीछा करना, एक एक्शन वर्ड है। ऐसे ही चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टॉयज, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं। खेलना ये दर्शाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो प्लेइंग एक्शन वर्ड है। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जिसको समझने के बाद आप ये बोलेंगे कि सर, आपने हमें एक ऐसी चीज सिखा दी है जिसके बाद हमें सेंटेंसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक वाक्य में, एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रनाउन, जिसमें एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक वस्तु का नाम हो सकता है या एक जगह का नाम हो सकता है। वर्ब मतलब एक एक्शन, जैसे इज, एम, आर, गो, कम, मे, वुड, शुड और बाकी के जितने भी शब्द बचते हैं उसका हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वॉच मूवी आई एम प्लानिंग टू। तो अब हम इसको एक ऐसे ढंग से लिखेंगे ताकि हम उसका उस वाक्य का मतलब निकाल सकें। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आए, मैं
मैं क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगा? मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ? मूवी देखने के लिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आई, आई नंबर एक आ गया, एम नंबर दो, प्लानिंग टू, नंबर तीन वॉच मूवी। आई एम प्लानिंग टू वॉच मूवी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दे रखा है फुटबॉल प्लेज रमन, फुटबॉल खेलता है रमन। तो इस सेंटेंस में रमन क्या है? सब्जेक्ट है। रमन क्या कर रहा है? प्लेज। प्लेज क्या है? एक एक्शन वर्ड। रमन प्लेज। क्या खेल रहा है रमन? फुटबॉल खेल रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रमन प्लेज फुटबॉल। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिसे हमें रीअरेंज करना है। पहला सेंटेंस है सॉकर, ही हिज फ्रेंड्स विद प्लेज। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, वो। उसके बाद हम ढूंढेंगे एक्शन प्लान। एक्शन क्या है? एक्शन वर्ड प्लेस। तो ही प्लेस। क्या खेल रहा है वो? सॉकर। तो आएगा ही प्लेस सॉकर। किसके साथ खेल रहा है? विद हिज फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर अस कुक्स डिनर शी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। वो क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। शी कुक्स। क्या बना रही है? डिनर बना रही है। शी कुक्स डिनर। किसके लिए बना रही है? फॉर अस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शूज आई वेयर कंफर्टेबल। तो आय क्या है? सब्जेक्ट है वेयर। वेयर क्या है? एक्शन। मैं पहनता हूं। क्या पहनता हूं? कंफर्टेबल शूज। आय वेयर कंफर्टेबल शूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑफन गो वी लाइब्रेरी टू द। वी क्या है? वी सब्जेक्ट है। वी ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट ईट दे। तो दे क्या है? सब्जेक्ट है दे। वो क्या करते हैं? खाते हैं। ईट एक्शन वर्ड आ गया। क्या खाते हैं? सैंडविचेस। कब खाते हैं? फॉर ब्रेकफास्ट। क्या बनेगा सेंटेंस? दे ईट सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे रखी है। थैंक यू।